जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले ही इसका मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इसका जो पेट्रोल का जो इंडिकेटर है ना यार, ये किसी काम का नहीं। इस पर आप लोग भरोसा करके बिल्कुल मत चलना। मैं यहाँ से आपको दिखाने चाहता हूँ इसके हेड के पास से, हल्का हल्का आप लोगों को मैं भी शायद दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ऑयल जो है रिस रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो वो इसका चेन है। आप लोग देख, थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है इसका इंजन का हीटिंग इशू। भाई साहब इंजन इसका क्या हीट होता है, देख सकते हो। साइलेंसर का जो पेंट है वो यार, मतलब जगह जगह से विदाउट एनी रीजन ही ये मेरा बाइक जो है वो गिरा पड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आप देख सकते हो कि इसका जो साइलेंसर का जो पेंट है वो निकल रहा है। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसका माइलेज है। मैं आपको बोलूंगा तो शायद आप लोग बिलीव भी ना कर सको, ये बाइक एनी डे आप लोग इसे थोड़ा तो रफली तरीके से भी चलाओगे तो गाड़ी आराम से आपको। हेलो फ्रेंड, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेद कुरियन आशीष। काफी ज्यादा मक्खी है यार, जंगल का सोचा कि थोड़ा सीन दूंगा बट यार काफी ज्यादा मक्खी है, नो डाउट हटा दे यार बनकर। तो हेलो फ्रेंड, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेद कुरियन आशीष। तो बेसिकली मेरे जो बाइक का जो किलोमीटर है वो 10,000 पार कर चुका है। पकड़ के चलो यार 10,500 किलोमीटर से भी ज्यादा मेरी बाइक जो है वो चल चुकी है। और आप लोगों का बहुत बार कमेंट आ रहा था कि यार इस बाइक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, इस बाइक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, इसका यूजर रिव्यू बनाऊँ। तो आज इस बाइक का यूजर रिव्यू बनाने का दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले नेगेटिव पॉइंट से, देन उसके बाद में पॉजिटिव पॉइंट, इसका माइलेज क्या है वगैरह वगैरह आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो जरा मैं अपने कैमरामैन भाई साहब से बोलना चाहता हूँ कि जरा एक बार यहाँ का व्यू दिखा दो, हम लोग कहाँ पर आकर के वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि व्यू काफी ज्यादा धमाकेदार और जबरदस्त व्यू है, और उस तरह से बाइक का भी काफी धमाकेदार वीडियो और रिव्यू बनने वाला है। तो बिना टाइम पास के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले ही इसका मैं नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो ये देख लो पहले आप लोग कि ये बाइक जो है वो 10,597.2 किलोमीटर ये चल चुकी है, यानी कि ये 10,600 किलोमीटर अप्रॉक्स ये बाइक ये चल चुकी है। और सबसे पहले मैं इसका नेगेटिव पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, इसका जो पेट्रोल का जो इंडिकेटर है ना यार, ये किसी काम का नहीं। इस पर आप लोग भरोसा करके बिल्कुल मत चलना, बिकॉज कभी कभी ये दिखाएगा आपको हाफ टंकी पेट्रोल है, बट अचानक से आपको सिंगल भी दिखाने लगेगा, फिर अचानक से दो भी दिखाएगा, फिर अचानक से तीन भी दिखाएगा। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ। ये इसका रहा पहला नेगेटिव पॉइंट्स। वैसे आप लोगों को मैं एक दिखा देना चाहता हूँ कि ये बाइक को मैंने गंदा ही रखा है, और एकदम पूरी अच्छी तरीके से, ताकि आप लोग ऐसा ना लगे कि यार बाइक को मैं साफ़ सफाई करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि बाइक कहाँ से ऑयल वगैरह रिस रहा है ये सब आपको ना पता चले। तो मैं यहाँ से आपको दिखाने चाहता हूँ इसके हेड के पास से, हल्का हल्का आप लोगों को मैं भी शायद दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ऑयल जो है रिस रहा है। इससे कोई इशू नहीं है, बिकॉज इसका जो नट जो है वो वहाँ पर हल्का सा लूज है, जिसके वजह से ऑयल रिस रहा है। और एक इसका सर्विसिंग भी छूटा हुआ है, सो दिस रीज़न में भी ऐसा हो सकता है। और हम लोग अब आते हैं सेकंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो वो इसका चेन है। आप लोग देख सकते हो मैंने चेन में यार लुब्रिकेंट करके रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है वैसे, और चेन से वैसे हमें कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक नॉइस जो होता है ना वो हमेशा इसमें से आता है बाइक के चेन से। आप ऑलवेज इसको पकड़ के चलो, महीना में आपको या 20 दिन में आपको चेन को टाइट कराना ही पड़ता है, वरना चेन से यार आवाज़ आते रहेगा, खटखट खटखट करके आवाज़ आते रहता है। ये इसका रहा दूसरा इशू। अब हम लोग आते हैं थर्ड इशू की ओर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका जो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है इसका इंजन का हीटिंग इशू। भाई साहब इंजन इसका क्या हीट होता है। ये मेरे फ्रेंड है नीरज कुमार, भाई जरा बताओ कि छू मत यार हाथ जल जाएगा, दूर से ही तुम्हें फील हो रहा है कि नहीं हीट है। ये काफी हीट हो रहा है, काफी हीट हो रहा है, और इतना ज्यादा ये हीट हो रहा है ना, इसका जो टंकी है वो भी गर्म हो जा रहा है। भाई जरा छू के देखो टंकी को। मैं यहाँ पर कोई भी, मैं बाइक का यार मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई बजाज वालों से पैसा नहीं मिला कि टीवीएस का मैं बुराई करूँ, ये मेरी खुद की बाइक है यार, भरा मैं इसका बिना मतलब बुराई क्यों करूँगा। इसका जो इंजन हीटिंग इशू है वो यार काफ़ी मतलब रफ है, और ख़ास करके इसका जो इंजन तब हीट होता है ना जब आप इसे मान लो कि सिटी में चला रहे हो, सिटी में चलाने के बाद में आप लोग जैसे कि अगर क्लच का यूज़ करते हो, थोड़ा ब्रेक का यूज़ करते हो, तो ये इंजन इतना ज़्यादा हीट हो जाता है ना कि अगर आप लोग हाफ पैंट पहन के बाइक चलाओगे, जो कि चलाना नहीं चाहिए, आप लोगों का पैर पूरा तरह से जल जाएगा। मैं जींस पहना हूँ, मुझे जींस के सामने से इंजन पूरा हीट हो रहा है, पूरा यहाँ से पूरा फील हो रहा है, एकदम भयंकर गर्म है एकदम। ये सब देख रहे हो बहुत ज़्यादा, मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, मैं आप लोगों को जरूर मैं चेक करवा देता। अब हम लोग आते हैं इसके फोर्थ इशू की ओर। देख सकते हो साइलेंसर का जो पेंट है वो यार, मतलब जगह जगह से विदाउट एनी रीजन ही ये मेरा बाइक जो है वो गिरा पड़ा तो नहीं है,
लेकिन फिर भी इसका आप देख सकते हो कि इसका जो साइलेंसर का जो पेंट है वो निकल रहा है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और तो कहीं से मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ है, जो कि यार अपाची का एक इशू होता है कि इसका साइलेंसर का जो पेंट होता है वो निकल जाता है, जो कि काफ़ी देखने में बेकार लगता है। ये मुझे भी एक इशू लगा। अब हम लोग आते हैं इसके फिफ्थ इशू की ओर, जो कि एकदम यूनिवर्सल इशू है। सो फिफ्थ इशू दिखाने के लिए मुझे बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो है इसका इशू है वो वाइब्रेशन। ये देखो, मैंने अपना बाइक को अभी स्टार्ट किया। अभी मैं पानी वगैरह का ग्लास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जरूर दिखाता। ऐनक आप लोग देख सकते हो, मैं भी उतना क्लियर ना दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसके मैं पकड़ रहा हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है। देखो नंबर प्लेट देखो, नंबर प्लेट पूरा हिल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वाइब्रेशन का एक इशू है। सो बाइक के मैंने आपको 5 कॉमन इश्यूज बताए, जो कि यार आई थिंक सबके बाइक में आ रहे हैं। जितने मेरे फ्रेंड हैं, मैंने 2-4 फ्रेंड हैं उनके पास में भी यही सेम बाइक है, और उनके बाइक में भी सेम टू सेम यही इशू आता है। चेन का और इंजन हीटिंग का इशू तो यार आई थिंक सबके बाइक में ही होगा, अपाची के, भले ऑयल लीकिंग वाला का ना हो, क्योंकि वो कोई इशू नहीं है, वो जस्ट एक ऊपर का एक नट लूज हो चुका है। सो आप लोग समझ सकते हो। तो नेगेटिव पॉइंट सुन के आप लोगों का मूड खराब हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसका माइलेज, ये बाइक अपने सेगमेंट में 160 सीसी सेगमेंट में, इससे बेहतरीन माइलेज मुझे नहीं लगता है किसी भी बाइक का होगा। मेरे एक फ्रेंड के पास में पल्सर है, जिसका जो माइलेज 45-50 किलोमीटर पर लीटर का रहता है, वो भी अच्छे से चलाने से। और एक भाई के पास में बाइक है अपाचे 164 भी, जो कि यार ओनली 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। सो माइलेज के मामले में ये गाड़ी यार सबसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। मैं आपको बोलूँगा तो शायद आप लोग बिलीव भी ना कर सको, ये बाइक एनी डे आप लोग इसे थोड़ा तो रफली तरीके से भी चलाओगे तो गाड़ी आराम से आपको 55 किलोमीटर पर लीटर के बाइक माइलेज आपको दे देता है। और दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट है, इसका सर्विसिंग जो अगर आप इसे रेगुलर करवाओगे तो आपको ओनली 1100-1200 इसका सर्विसिंग पड़ता है, अगर इस बाइक में कुछ भी खराबी ना हो तो। 1100-1200 रुपये में 160 सीसी के बाइक का आपका सर्विसिंग हो रहा है, भला आपको और क्या चाहिए। माइलेज मैंने बता दिया, सर्विसिंग बता दिया, और तीसरा जो है इस बाइक का लुक, देखो लुक सब्जेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी ये बाइक जो है यार 15 सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। तो क्यों राज कर रही है? क्योंकि इसका जो एक कॉम्पैक्ट जो लुक है, इसका मतलब देखने में जो कॉम्पैक्ट सा लुक है और फैमिलियर बाइक है, क्योंकि देखो पीछे में भी इसका जो सीटिंग जो रहता है ना वो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मैं इसके पीछे में भी बैठ जाऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये बाइक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि यार काफ़ी ज़्यादा सीट इसका टफ है। ये हम लोगों ने इससे यार अप्रॉक्स एक बार में 500-600 किलोमीटर का राइड किया है, फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन जो भी पीछे बैठता है उसे कुछ खास इशू नहीं होता है। होप आप लोग समझ सकते हो। तो ये रही बाइक की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, और तो और बाइक में मुझे कुछ वैसा नेगेटिव दिखा नहीं अब तक 10,600 किलोमीटर चलाने तक। तो आप लोग बताओ आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा, और एक बात और आप लोग बोलो कि सर्विसिंग चार्जेस का मुझे फ़ोटो दिखाओ। तो अभी इस बाइक का मैं फ्री सर्विस तो ख़त्म हो चुका है मेरा, पेड सर्विस मैं इस बाइक का भी करवाने वाला हूँ, और बहुत जल्दी इस बाइक का मैं पेड सर्विसिंग कराऊंगा, तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बाइक में क्या क्या पार्ट्स मुझे लगे वहाँ पर ही, जो इंटरनल जो पार्ट्स है लाइक ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ यार, AHO हेडलाइट की वजह से ना बाइक का जो हेडलाइट है ना वो यार फ्यूज हो गया। ये देखो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन, हमेशा हेडलाइट ऑन रहता है। तो देखो मैं बाइक का भी स्टार्ट करूँगा तो देखो हेडलाइट फ्यूज हो चुका है, ओनली इसका जो अपर लाइट है वही जल रहा है, ये देख सकते हो आप, ओनली अपर लाइट जल रहा है। तो ये AHO वालों का एक प्रॉब्लम है कि यार हमेशा हेडलाइट जलेगा तो इसका यार फ्यूज हो ही जाता है। वैसे तो यार बाइक में ट्रिपल लोडिंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा देखने के लिए, अपने घर से जस्ट बगल से ही है यहाँ से हमारा घर, तो ट्रिपल लोडिंग हम लोग आए, और हमें ट्रिपल लोडिंग में भी बाइक में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही बाइक को कुछ परफॉर्मेंस में इशू हुआ। ट्रिपल लोडिंग में भी हमारी जो ये बाइक है इसमें यार परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं है, मतलब 70-80 तो यार ट्रिपल लोडिंग में भी ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि मतलब कुछ इसके लिए है ही नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। भाई का जरा फ़ोन आ गया इसीलिए जरा वो साइड हो गया है। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ में। तब तक ले हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी एक और धमाकेदार ब्लॉग में। बाय बाय, जय हिंद, सब्सक्राइब करना मत भूलना।